वीडियो बना के क्या होता है, इससे मेरी कमाई होती है, मेरे चैनल पे लोग देखते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है। सरकारी घर से तुमको मजदूरी मिलता है, वीडियो करके चलान ना करता है तो भेजेगा तो इनाम देगा नहीं, पकड़ ले रहना, मैं तो झपेटियो ले सकता बाहर से चेक के रहना, बिहारी बहुत चोर है। गाइस हमारी गोभी में हो चुकी है चोरी, ये भैया ने देखा था चोर को और क्या क्या उधर से चोरी कर कर के लेके गया है। तू दवा के ले की नारी चुकैया। दोस्तों अभी मैं हूँ पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, बगल में आ चुकी है राजगृह एक्सप्रेस यानी कि दानापुर से राजगीर जाने वाली ट्रेन, जिसका कि ट्रेन नंबर है 03234। और अभी मैं फटाफट से भाग रही हूँ क्योंकि यार 6:20 हो चुका है, 6:25 में इसके खुलने का टाइम होता है, सिर्फ 5 मिनट मेरे पास, एंड आई हैव टू रीच टू D1 कोच। अभी भी हम लोग D4 तक ही पहुँचे हैं और हमें पहुंचना है D1 कोच तक, सबसे आगे वाली कोच हमारी ही है, फटाफट से पहुंचते हैं। सो दिस इज आवर कोच, काइंडली आई गॉट दिस विंडो सीट, पूरा खुला हुआ है, ऐसे कैमरा चोरी होने का भी डर रहेगा बट साथ साथ नज़ारे भी काफ़ी अच्छे मैं आपको दिखा पाऊंगी। तो ये रहा इसका लोकोमोटिव, ये देखिए नीचे डाउन हो रहा है अब ये इलेक्ट्रिफाई। आप लोग हमेशा कहते हो मुझे लोकोमोटिव दिखाने की बात, एक्सक्यूज मी, टाइम इज 7:25 और खुल गई हमारी ट्रेन एग्जैक्ट राइट टाइम पर, खुली है हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से। बगल में लगी हुई है राजेंद्र नगर जम्मू तवी स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर। And we are on Rajendra Nagar station, जिसका की स्टेशन कोड है RJPB। यहाँ पर उतरने और चढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये सारे लोकल स्टेशन ही हैं, पटना राजेंद्र नगर हो, गुलजार बाग हो या फिर पटना साहिब, सारा पटना के अंदर ही आता है। इस स्टेशन पे हमें मिलता है 2 मिनट का स्टॉपेज, काफ़ी कम स्टॉपेज है और ये जस्ट 3 किलोमीटर दूर है पटना स्टेशन से। ऑलमोस्टली आप समझ सकते हो कि पटना स्टेशन में भीड़ कम करने के लिए स्टेशन को बनाया गया था और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि जब भी हमें पटना स्टेशन पर ट्रेन नहीं मिल पाती तो हम लोग दौड़ दौड़ यहाँ आ जाते हैं, फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ के निकल पड़ते हैं। कूड़ा का भंडार, thank you।
अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुलजार बाग स्टेशन, जिसका कि स्टेशन कोड है GZH। हमारी गाड़ी यहाँ रुकती है 2 मिनट, बट बिकॉज ऑलरेडी हम लोग लेट थे तो यार पहुँचते देरी नहीं और खुलते देरी नहीं गाड़ी की। जस्ट पहुँचे हैं, सभी लोग चढ़े और गाड़ी खुल गई। गुलजार बाग पट्टा। यहाँ से भीड़ पूरी होने वाली है, ऑलरेडी पूरा डब्बा खचाखच भर चुका है, जबकि अभी भी वो बुकिंग वाला सिस्टम ही चल रहा है कि आपका जो सीट है आप उसी पे बैठोगे, बट देन टू भीड़ पूरी है। अब जगह नहीं बचेगी कुछ देर में बैठने की यहाँ। तो भाई ये है हमारा पटना साहिब स्टेशन, जहाँ का स्टेशन कोड है PNC। यहाँ पर भी 2 मिनट का स्टॉपेज है गाड़ी का, और इतना कम स्टॉपेज इसलिए रखा गया है क्योंकि यार ये पटना का ऑल टोटल जो 5 मेजर स्टेशन है उन्हीं में से एक है। 19 किलोमीटर के दायरे में लगभग 5 मेजर स्टेशन है। गाड़ी का टाइम हो चुका है इसलिए मैं वापस से चढ़ जाती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बोलते हो कि आप काफ़ी जल्दी जल्दी बोलते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि यार डर लगा रहता है कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। अगर ट्रेन छूट गई तो फिर आप लोग वीडियोस कैसे देखोगे? 10। हाँ तो 10 में आप जाके बैठ, ये बोलिए कि मेरा सीट है। बोगी में है कहाँ? 10 आई नहीं, उधर है 10 ऊपटी। हाँ ऊपटी, अब इधर से रास्ता नहीं है। अच्छा जाके देखिए, उधर है 10। बहुत कंफ्यूजन हो रखी है। अपने यहाँ उतरने वाले थे ना, अरे तो उधर का रास्ता में खड़े हैं, कुछ स्टेशन देखना है तो हट जाइए कम से कम। आपको तो वहाँ खड़े रहिए आप। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको रास्ता तो नहीं मिल रहा है ना, आप दोनों साइड तो पकड़ के बैठे हैं। नहीं मैं जा रही हूँ यार, उधर नौटंकी कर ले है। उसको रास्ते पे खड़े रहना है उस साइड। एक जिद्दी इंसान मिल गया था जिनको रास्ते पे ही खड़ा रहना है, मतलब उतरना भी नहीं ना चढ़ना है, इस वजह से काफ़ी इशूज आ रही थी। सो इस वजह से मैं इधर आ रही हूँ इस बार, सो इधर कोई कष्ट ना हो। बाग हम लोगों ने कवर कर लिया इस वीडियो में। आज तक मैं गुरु का बाग नहीं जा पाई हूँ, बट फॉर श्योर जरूर जाऊंगी। इससे पहले भी मैंने पटना सिटी के काफी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जरूर से देखिएगा। ये फर्स्ट हॉल्ट दीदार गए। ये सब किस चीज की फैक्ट्रीज है? ईट फाड़ने के लिए। अच्छा यहाँ पे पूरा बनता है ईट का भट्टी। ऑलरेडी बहुत सारी ईंटें बनी हुई भी है, अभी बहुत सारी बननी बाकी है। वाओ ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। अच्छा पुनपुन नदी। पहुँच रहे हैं अब हम लोग पतुआ स्टेशन। फतुआ जंक्शन, जहाँ का स्टेशन कोड है FUT, और हम लोग 2
हॉल्ट को क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं। पटना साहिब से फतुहा स्टेशन के बीच दो हॉल्ट पड़ता है, दीदारगंज और बंका घाट। यहाँ पर टोटल है 3 प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत ज़्यादा मेन जंक्शन है बिकॉज जितना भी सामान वगैरह है, मालगाड़ी वगैरह का, सारा कुछ यहाँ पे आता है। मामा जी लोग को मैंने बचपन से ही देखा है, फतुहा में सारा सामान उनका आता था, पूरा नमक का बोरिया वगैरह रखा हुआ आपको स्टेशन पर बहुत ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पर आपको इसी तरह ढेर सारी मालगाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, सारे में नमक लोड किया हुआ रहता है, किसी में सर्फ लोड किया हुआ रहता है। और उसके जस्ट पीछे में ये जो आप लंबा सा देख रहे हैं ना, ये टोटली गोदाम है। जितना भी सामान आता है वो सारा उसी सारे गोदाम में रखाता है। ये सारी जानकारियाँ मुझे मिली है मामा जी लोग से। अगर किन्हीं का सामान रखाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर कोई वीडियो देख रहे होंगे तो। एक लाइन से बहुत ही ज़्यादा लंबा लॉकर है वहाँ तक, आई गेस जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। ज्योति जायसवाल बगल से पास हो रही है मेमू पैसेंजर, बिहार की लाइफलाइन। इस साइड पूरा सामान रखा हुआ है। अब हम लोग पहुंच रहे हैं खुशरूपुर, जो कि है मेरा नानी घर, और यहाँ का स्टेशन कौन है, KOO। स्टेशन गायब। हाय राम, इतना बुरा। सारे लोग ऐसे पत्थरों पे ही उतर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म उधर छूट गया। मिनट का स्टॉपेज था, सोची थी यार अपना एरिया है उतर के दिखाऊंगी, बट इम्पॉसिबल क्योंकि प्लेटफॉर्म गायब। ये है बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। टाइम इज 8:30। नाउ वी आर अराइविंग एट बख्तियारपुर जंक्शन। फर्स्ट टाइम हमारी गाड़ी ऑन टाइम पहुंची है। यहाँ का स्टेशन कोड है BKP और यहाँ भी हमें मिलता है 2 मिनट का स्टॉपेज। ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि पहला तो यार ये बख्तियार खिलजी के नाम पड़ा था इसलिए, जो कि वेरी सिंपल बात है वाकई में। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम चेंज को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी बवाल चल रहा है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बस बाकी यहाँ से हमारी जो गाड़ी है ये लाइन कट जाएगी राजगीर जाने के लिए, नालंदा जाने के लिए, चाहे पावापुरी हो या फिर बिहार शरीफ, यहाँ से हम लोग को गाड़ी को चेंज करना पड़ता है। बट हम लोग ऑलरेडी राजगीर जाने वाली ट्रेन में ही बैठे हुए हैं, तो हमें गाड़ी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बस ये लाइन कट जाएगी। हटिएगा थोड़ा सा, धन्यवाद। हटिएगा आंटी। यहाँ पर मिल रहे हैं उबले हुए सिंघारे, यानी कि पानी फल जो हम लोग कहते हैं ना, वही यहाँ पर उबाल करके मिलता है। और ये वाकई बहुत यूनिक है, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही देखने को मिलता है, उबले हुए सिंघारे पानी फल जो का हुआ। आपके शहर की क्या खासियत है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। भैया समोसे। हाँ चाहिए, तभी तो बोल रहे हैं ना। भैया एक और कागज दे दीजिएगा। यहाँ के हमारे समोसे 20 के 4 समोसे। फाइनली चल पड़ी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। बगल में आई है पूरी पटना।
अब मैं बता देती हूँ, इस ट्रेन का फेयर जनरल कोच का है 65 रुपीज और चेयर कार का 265। टोटल जनरल के कोच है इसमें 19 और चेयर कार का ओनली 1। इससे मेरी कमाई होती है, मेरे चैनल पे लोग देखते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है। वीडियो करके चलान ना करता है। सरकारी घर से तुमको मजदूरी मिलता है? ये सरकारी नहीं है आंटी, प्राइवेट है, मेरा खुद का है। तो भेजेगा तो इलाम देगा नहीं, उसके पकड़ ले रहना, मैं तो झपेटियो ले सकता बाहर से। हाँ सही बात बोल रहे आंटी, चेक के रहना, बिहारी बहुत चोर है, बिहार में रहता है। ट्यूशन में निकाल लो, नहीं रहना। क्या ट्यूशन में बाहर नहीं करना, ना तो झपेट लेगा। अच्छा, लेट्स ट्राई बिहार का समोसा। हेलो, हम पिछले बार में सारे समोसे खा गए थे अकेले, इसलिए उस बार पहले ले लिया। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पूरी और सब्जी खा रहे हो। इस वीराने में रुकी हुई है हमारी ट्रेन, बगल से पास हो रही है मालगाड़ी, ये भी पक्का जाएगी फतुहा और वहीं पे सामान रखेगी। अब हम लोग पहुंच रहे हैं अपना 8वां स्टॉपेज हरनौत। यहाँ का स्टेशन कोड है HRT। अभी तक हम लोग तय कर चुके हैं 65 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये बड़ा सा इंडस्ट्री टाइप वाला एरिया, ये है सवारी डिब्बा का मरम्मत कारखाना। यहाँ कर रहे हैं लोग इंतज़ार इस गाड़ी के जाने का। 9th स्टॉपेज वेना, और कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं है, बेनाम स्टेशन। हरनौत से मात्र 5 किलोमीटर ही दूर है ये, फाइनली एक जगह लिखा हुआ दिखा नाम। यहाँ का स्टेशन कोड भी वेना ही है, WENA वेना। बचपन में मुझे इन पटरियों पे चलना बहुत अच्छा लगता था, इस पे उससे जंप मारना, ये जो व्हाइट वाला रहता था ना, एक पे एक जंप मारना बड़ा मजा आता था। किसकी किसकी बचपन की यादों में शामिल है ये वाली मेमोरी। बिहार शरीफ, जहाँ का स्टेशन कोड है BEHS, और यहाँ पर मात्र 2 प्लेटफॉर्म है, एक जहाँ पर हम लोग हैं और दूसरा उस साइड में। ये पड़ता है बख्तियारपुर तिलैया मेन लाइन के बीचों बीच में, और बिकॉज यहाँ से काफ़ी करीब है राजगीर नालंदा, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियों का स्टॉपेज दिया जाता है। धीरे धीरे ट्रेन यहाँ पूरी लगभग खाली हो ही चुकी है। यहाँ पर भी मिल रहा है वो पानी फल उबाला हुआ। इस साइड का फेमस है यार, बहुत ज़्यादा फेमस है, बट मुझे नहीं पसंद आता है, मुझे वो कच्चे वाले पसंद आते हैं। देखो गैन कचौड़ी पकौड़ी का भी दुकान लगाई ले यहाँ पे, अनारसा भी था। बिहार शरीफ का बाजार,
गाइस हमारी बोगी में हो चुकी है चूड़ी। ये भैया ने देखा था चोर को और क्या क्या उधर से चूड़ी कर कर के लेके गया है भाई। मुझे लगी है प्यास और तड़ोस। पानी पानी धन्यवाद। नालंदा में रुक कल था। नालंदा में रुक दिया। ओए यहाँ तो स्टेशन का स्टॉपेज भी नहीं था। क्यों रुका? धूप पूरी आ रही है मुँह पे। बगल से पहाड़ उड़ी है गया बख्तियारपुर। यहाँ से हमें दिखनी शुरू हो गई है राजगीर की पहाड़ियाँ। हम लोग अब पहुँच रहे हैं राजगीर। टाइम हो रहा है 10:05। हम लोग 40 मिनट्स बिफोर पहुँच चुके हैं यहाँ पर। 10:45 में पहुँचाने का टाइम था। तो फाइनली 108 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन राजगीर। और ये है इस स्टेशन का आउटर लुक। तो बस गाइस हमारा ये जो ट्रेन व्लॉग है यहीं पर एंड होता है। अगला जो व्लॉग होगा राजगीर जो मैं आपको घुमाऊंगी वो सारे नेक्स्ट वीडियोस में दिखेंगे। तो उसके लिए आपको करके रखना होगा चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के वीडियोज़ और भी बनाऊँ।